यार मिस्टर चड्ढा के साथ जितना भी इंटरेक्शन मैंने किया है ना, मुझे लगता है अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पोजेसिव है उसको लेकर। होते हैं बहुत सारे पति ऐसे होते हैं यार, इट्स वेरी नॉर्मल। अमन पता है मुझे डर क्या है? कि हमारी आंखों के सामने किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। पता है कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जो कि बस ऐसे ही अननोटिस चले जाते हैं। लेडीज कंप्लेन तक नहीं करती हैं और फिर अचानक एक दिन उस औरत के साथ कुछ हो जाता है। एंड हम नहीं चाहेंगे ना कि हम जैसे जानते हैं उन लोग की फैमिली में ऐसा कुछ। आप जानते हो कितने मिसहैप्स होते हैं, न्यूज़पेपर में रोज आता है। निशिता पता है प्रॉब्लम क्या है? कि तुम सबके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। एंड आई एम श्योर कि मेरे लाख मना करने के बावजूद पल्लवी के लिए कुछ ना कुछ तो तुम करोगी, लेकिन जो भी करोगी सोच समझ से करना। मिस्टर चड्ढा के साथ मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, रोहित के केस में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लॉयर हैं वो। और तुम्हारी हरकत से उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी बीवी बाहर वालों को रॉन्ग सिग्नल दे रही, जिसकी वजह से उन पे शक हो रहा है। I'll be very careful, लेकिन रमन मैं समझना चाहूंगी कि एक्चुअली पल्लवी की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं नहीं देख सकती कि यार उसके साथ कुछ गलत हो जाए, पर मैं कुछ रैशनल स्टेप नहीं उठाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, फिलहाल सो जाए, रात बहुत हो गई। बंधु इधर ना, तुम आज जल्दी उठ गए कन्ना, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मैं करती हूँ। अरे मुझे आज ब्रेकफास्ट बनाने का मन हुआ तो मैंने बना दिया, आप बैठो चलो खाओ, मैं ये सब लेकर आ रही हूँ। चलो चलो चलो। अयो बंधु सब हो गया, माँ बैठो और खाओ। अब सब कुछ बनाया, तुमको तो रेस्ट करना चाहिए बंधु। फाइन अम्मा। अरे नाश्ता लग गया, आ जाओ। अप्पा बंधु ने सब कुछ बनाया। अरे वाह वाह क्या बात है, ये लो शाम को भी सो। ये चलो स्टार्ट करो जल्दी। कमान शो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये ब्रेकफास्ट बंधु अक्का ने ही बनाया होगा। हां तो मुझे पता चला सब मैं बनाया। ये बड़ा पास्ट, थैंक यू। बंधु अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे अम्मा क्यों, इतना सब कुछ बनाया ना मैंने, मैं यही खाऊंगी। नहीं मैं कुछ और बनाती हूँ। पर क्यों अम्मा? अरे नहीं, तुमने हम सबके लिए बनाया तो हम लोग भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं ना। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ समथिंग बाला स्पेशल। हाँ गुड आइडिया, गुड आइडिया। नहीं प्लीज मुझे यही खाना है, अब इतना सब बनाया फिर कौन खाएगा। इतना कुछ नहीं हुआ है, हम दूसरा बना देंगे, डोंट वरी। अम्मा हाँ इसमें ज्यादा नमक है, लेकिन जे मेरी अम्मा ने बनाया ना सबसे बेस्ट अम्मा, बोल के भी बेस्ट अम्मा। अम्मा जो भी बनाएगी वो मैं सब खाऊंगा। जो फ्रेंड है ना जिसके घर पे आप स्लीपिंग बैग देने गए थे, उसने मुझे ओवरनाइट स्टे के लिए बुलाया। चलो जल्दी जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम लोग की बस छूट जाएगी। रोहित तुम्हारा आपकी जो अरे ऐसे लेके कितना एक्साइटेड है।
आपने उसके फ्रेंड के पापा से बात की थी ना? And I'm glad कि उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना, अपने बेटे को समझाया। इसलिए तुम नहीं जानती, लेकिन दोस्तों के साथ एक ग्रुप में रहना इस एज में बहुत एक्साइटिंग होता है। And I'm happy कि finally आदि के दोस्त होंगे and आदि will have a happy childhood. चलो बनना चला। अरे वाह, सूट बूट में आया कि नहीं है? आओ रोमी, नाश्ता। पराठे रेडी कर दो, टिफिन भी रेडी कर दे मेरा। गुड मॉर्निंग रोमी, चलो लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। तुम रेडी हो गए ना? हाँ मैं रेडी हूँ, बस टिफिन वगैरह रेडी करूंगा और मैं बैग लेके आया। ओके, नाश्ता नाश्ता आज बैग। नो अक्का, नॉट एट ऑल, पेरियम्मा ने इतना खिला दिया ना मुझे, मैं बस देख रही थी कि रोमी रेडी है नहीं, ताकि हम साथ में ऑफिस जा सके। कॉफी लेगी? नो अक्का, थैंक यू। चले मेकअप, ये तुम्हारे लिए। लो तो सही, ये तो बस छोटा सा थैंक यू तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। मेकअप जो तुमने मेरे लिए किया है ना, आई स्वेयर वो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिली, एक इज्जत मिली। सीरियसली थैंक यू सो मच। अब खोल के देख भी लो ना। आपका ये सब इसकी क्या जरूरत थी? अब लाया है प्यार से तो खोल लो, देख लो। ओके मैंने भी दिखाई। Such a sweet gesture. Wow. It's beautiful. अक्का देखो ना कितना सुंदर है। बहुत ही सोना है, बहुत सोना है। ज्यादा expensive तो नहीं है but gift expensive हो या ना हो, important चीज ये है कि तुमने gift मुझे क्यों दिया। थैंक यू, बट सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी पुत्र, यह तो तेरा हक बनता है। तेरी वजह से तो मेरा रोमी आज यहाँ पर है। जब सारों ने रोमी को निकम्मा मान लिया तो तेनू इसके अंदर काबिलियत नजर आई। तेरे विश्वास ने उसके अंदर एक हौसला पैदा किया, उसी हौसले की वजह से आज ये अपने पैरों पे खड़ा है, आज ये सर उठा के जी रहा है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, माता रानी तेनू हमेशा खुश रखे पुत्र। आंटी प्लीज आप मुझे थैंक यू मत कीजिए, रोमी में तो बहुत काबिलियत है, मैंने बस उसे एक चांस दिलवाया। और देख लेना, रोमी अपने बलबूते पे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। तेरी बातों ने इसकी दुनिया बदल दी मेहका, ए बहुत बड़ी गाल है, तूने इसकी जिंदगी संवार दी। नहीं तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं आता। माता रानी तेनु खुश रखे मेरे बच्चे। मेका चले। हाँ, भैया आपका डिनर। बाय 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 बाय। रब रखा पुत्र। Have a nice day. ओ नीलू जी मम्मी, और पराठे बनाने की जरूरत नहीं है, जिसे भूख लगी होगी आपे ही बनाएगा। वाह यातना हुए थे, एक वो मेहिका है जो मेरे पुत्र की जिंदगी बना रही है, ते एक है मनहूस मेरे पुत्र की जिंदगी उजाड़ दी। बेशर्म ना हुए थे।